हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस स्टार्ट किया था। तो जैसे अगर कोई एक जनरल रिएक्शन हम ले लें, तो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्ट करके सी का सी मोल और डी का डी मोल जनरेट कर रहा है। ए मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद बी मोल्स ऑफ बी टू प्रोड्यूस C moles of C and D moles of D। और इसी तरीके से अगर मोल है और इनका मॉलिक्यूलर वेट रहा है तो हम लोग वेट में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और STP पर अगर गैसेस का वॉल्यूम दिया है तो हम लोग वॉल्यूम लेकर सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है कि जब चीजें एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में दी हुई हों, जैसे एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, तो हमारे पास कोई रिएक्शन है 2H2G प्लस O2G एरो 2H2OG। तो अगर हमसे कहा गया कि 8 ग्राम हाइड्रोजन है और वो 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो अगर हम इनका मोल देखें तो 8/2 ये आएगा 4 मोल, और यहाँ से देखें तो 64/32 ये आएगा 2 मोल। अब हाइड्रोजन रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ H2 एंड O2 तो हो जाएगा 4:2, तो यह आ जाएगा 2:1। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है वो भी 2:1 है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट्स वो भी 2 और 1 है रेस्पेक्टिवली फॉर H2 और O2। अब जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2 और 1 वही मोलर रेशियो है, तो हम कहेंगे कि दे आर इन एग्जैक्ट प्रपोर्शन। तो जब ये दोनों एग्जैक्ट प्रपोर्शन में है तो नन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, कोई रिएक्टेंट बचेगा नहीं। अब अगर इनमें से कोई एक भी ज्यादा या कम होगा, इफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट आर मोर डज नॉट फॉलो द स्टोइकोमेट्रिक proportions then sum of the reactant
विल गेट कंज्यूम्ड अर्लियर बिफोर अदर्स एंड रिएक्शन विल बी स्टार्ट दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट शॉर्ट फॉर्म में इसको LR भी कहा जाता है। तो अगर जो रिएक्टेंट्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शंस में हैं तो कोई रिएक्टेंट बचेगा नहीं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर फिर भी एक या एक से अधिक रिएक्टेंट ऐसे हैं जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएंगे और रिएक्शन रुक जाएगा। जो रिएक्टेंट पहले खत्म होगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी सेम इक्वेशन में 2H2G प्लस O2G एरो 2H2OG। अब इसमें अगर हमने 8 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 32 ग्राम O2 लिया तो इसके हो गए 8/2 4 मोल और इसका हो जाएगा 32/32 1 मोल। अब ये दोनों नॉट इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है। अब जब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है तो कुछ ना कुछ पहले खत्म हो जाएगा। अब खत्म क्या होगा, मान लो ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया तो होगा क्या, ऑक्सीजन पूरा पूरा खत्म हो गया तो जब ऑक्सीजन एक खत्म होगा तो हाइड्रोजन का दो, और जब हाइड्रोजन का दो मोल H2 इतना मोल O2 तो जब इसका हाइड्रोजन का दो खत्म होगा ऑक्सीजन का एक खत्म होगा तो इसका दो मोल बनेगा, दो मोल H2O फॉर्म। तो फाइनल जो हमारे सामने सिचुएशन हो जाएगी वो टू मोल H2 बचा रह जाएगा रिमेनिंग और ये जीरो मोल O2 हो जाएगा और ये दो मोल H2O बन जाएगा फॉर्म्ड। अब ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया है तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड H2 इज द एक्सेस रिएजेंट। तो हाइड्रोजन लिमिट ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इस बात का बेसिक कवर कर चुके हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एक सबसे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से है।
तो मान लो जैसे हमने कहा कि लेट देयर इज ए रिएक्शन ए ए जी प्लस बी बी जी एरो सी सी जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, दूसरे स्टेप में कैलकुलेट मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, थर्ड पार्ट मान लो इसको यक्स कहा गया, एलआर कहा गया। तो द रिएक्टेंट विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड द रिएक्शन विल बी गवर्न्ड बाई दैट रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट यही बनता है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो एग्जाम्पल है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। जैसे कहा गया कि 2H2G प्लस O2G एरो 2H2OG, अब इसका 4 मोल है और इसका 1 मोल है, ये दिया गया है। तो जो कैलकुलेशन है वो मोल अपान कोफिशियंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोफिशियंट से मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट। तो मोल अपान इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है, तो मोल अपान 2 और इसका 1/1। तो इसका हो गया 2 और इसका हो गया 1। तो ऑक्सीजन का कम आया, मोल अपान कोफिशियंट रेशियो ऑक्सीजन का कम आया, तो ओ टू इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो बच रहा है जो दूसरा वाला रिएजेंट वो अपने आप एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो एच टू इज द एक्सेस रिएजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मान लो एन टू जी प्लस 3H2G एरो 2NH3G।
अब इसका हमने ले लिया 56 ग्राम, और इसका ले लिया 6 ग्राम। तो पहले दोनों को मोल कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स हो गया 56/28, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका आ गया 2 मोल, और इसका आ गया 6/2, इसका आ गया 3 मोल। अब नेक्स्ट जो कैलकुलेट करने हैं वो मोल अपॉन कोफिशियंट, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट 1, तो 2/2 1=1 आ गया, 2/1, तो इसका आ गया 2, और इसका आ गया 3/3, इसका आ गया 1। तो हाइड्रोजन का मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कम आया है, तो हाइड्रोजन तो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और N2 इज द एक्सेस रिएजेंट। हाइड्रोजन का मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, तो ध्यान का देना है कि मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट जिस रिएजेंट का कम आया लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और दो ही रिएक्टेंट है तो जो दूसरा वाला रिएक्टेंट हो अपने आप एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है सी, मान लो कहा गया कि ए ए टू ए जी प्लस 3 बी जी एरो ए टू बी 3 जी, कहा गया कोई रिएक्शन है जिसमें ए के 2 मोल और इसका दिया है 4 मोल और इसका दिया है 8 मोल, तो यहाँ पर मोल दिया है, तो मोल अपान कोफिशियंट कैलकुलेट करेंगे, तो मोल अपान कोफिशियंट में इसका हो गया मोल अपान 2 आ गया 2, और इसका हो गया 8/3, तो 8/3 आ गया 2.6 के आसपास, तो ये वैल्यू कम आई लीस्ट, तो ए विल बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड बी विल बी एक्सेस रिएजेंट। अब ये हमारा हो गया आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। जो अब इसके आगे फर्दर क्वेश्चन यह हो जाता है कि किसका कितना बचेगा, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्वेश्चंस की उसमें यह हो जाता है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का लेबल है वो ये है कि आप लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करिए और कितना अमाउंट बना है प्रोडक्ट का, क्या क्या है, तो पूरी क्वेश्चन की एक रेंज बन जाती है। जैसे कहा गया कि एग्जांपल, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कहा गया फॉर द कंबसन ऑफ मीथेन थर्टी
32 ग्राम आर सी एच फोर रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ सी एच फोर रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ओ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई द एक्सेस रिएजेंट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फार्म। ये एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि 32 ग्राम मीथेन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो सी एच फोर जी प्लस टू ओ टू जी एरो सी ओ टू जी प्लस टू एच टू ओ जी, तो इसका दिया है 32 ग्राम और इसका दिया है 32 ग्राम। तो पहला स्टेप मोल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 32/16 इसका आ गया 2 मोल और इसका आ गया 32/32 1 मोल। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि मोल अपान स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो मोल अपान कोफिशिएंट 2/1=2 आ गया और इसका 1/2 0.5 आ गया। अब ये वैल्यू कम हो गई तो पहला पार्ट हमारा हो गया, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LR लिखते हैं। O2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और दूसरा पार्ट CH4 इज द एक्सेस रिएजेंट ER। अब हम लोग क्या करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया जाता है। तो नया सीनेरियो हमारे सामने सी एच फोर जी प्लस टू ओ टू जी एरो सी ओ टू जी प्लस टू एच टू ओ जी, तो इसका हमारे पास 1 मोल था तो और इसका हमारे पास 2 मोल था। तो इसको हम पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये LR है, तो LR को हमने पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। तो इसमें से एक ख़त्म हो, जब इसका 2 ख़त्म होता है तो इसका 1 ख़त्म होता है, तो जब इसका 1 ख़त्म हुआ तो इसका आधा ख़त्म होगा। तो 2 × 2 था, जब इसका 2 ख़त्म हुआ तो इसका आधा, तो 2 − 1/2। जब इसका 2 ख़त्म हुआ तो इसका 1 बनेगा और इसका 2 बनेगा, तो जब इसका 1 ख़त्म हुआ तो इसका आधा बनेगा और इसका 1/2 × 1 बनेगा। तो फाइनल सिनेरियो हमारे सामने हो गया, इसका 3/2 मोल बचा रह गया, इसका 0 मोल हो गया, इसका 1/2 मोल हो गया और इसका 1 मोल हो गया। यहाँ पर हमको ध्यान से देखना एक बार फिर से, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन अब पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अब ऑक्सीजन जब लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीजन को हमने पूरा का पूरा ख़त्म करा दिया। अब ऑक्सीजन का जब इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कि जब ऑक्सीजन का 2 मोल का कंज्यूम होता है तब मीथेन का 1 मोल कंज्यूम होगा
और तब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा, वाटर का 2 मोल बनेगा। तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसमें से आधा खत्म होगा, तो इसका आधा बनेगा और इसका 1/2 × 2 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है उसमें हम कहेंगे कि 3/2 मोल, तो 3/2 मोल्स ऑफ CH4 इज लेफ्ट। तो इसका मतलब हो गया 3/2 × 16, 24 ग्राम ऑफ CH4 इज लेफ्ट। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। और फोर्थ पार्ट हमारा हो गया 1/2 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब 1/2 × 44, 22 ग्राम ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म्ड। तो इसका मतलब 1 × 18 ग्राम, मतलब 18 ग्राम वाटर। तो अब ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि कितना एक्सेस रिएजेंट रहेगा, कितना क्या रहेगा और क्या क्या बनेगा। अब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्वेश्चंस पर भी अप्लाई हो सकता है, तो एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे। एग्जांपल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इट्स कंबसन व्हेन C4H8 12 × 48 = 56, 48 × 56 112 ग्राम ऑफ C4H8 रिएक्ट्स विथ 112 C4H8 रिएक्ट्स विथ 64 ग्राम ऑफ O2। आल्सो आइडेंटिफाई द एल आर एंड ई आर। तो द कंबसन रिएक्शन ऑफ C4H8 इज एज फॉलोज। तो C4H8 प्लस O2, अब बन लिख भी सकते हैं, जैसे यहां 4 कार्बन है तो 4 CO2 बना, 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O बन गया। अच्छा, 4 × 8 ऑक्सीजन, 8 × 4 = 12, तो 6O2 बन गया। ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब इसका हमने लिया 112 ग्राम और इसका है 64 ग्राम, तो मोल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 112 बटे 56, इसका हो गया 2 मोल और इसका हो गया 64/32, इसका भी हो गया 2 मोल। तो अब हमको
मोल्स अपान कोफिशियंट कैलकुलेट करना है, तो इसका हो गया 2/1, इसका आ गया 2, और इसका आ गया 2/6, 1/3 मोल। तो ये वैल्यू कम है, तो हम कहेंगे कि हेंस ओ टू इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ओ टू हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ओ टू लिमिटिंग रिएजेंट है, तो एंड C4H8 इज द एक्सेस रिएजेंट, तो ओ टू को हम पूरा का पूरा खत्म करा देंगे। तो C4H8 +6O2 Aero4CO2 +4H2O। अब इसका 2 मोल था, तो इसका 2 -2। अब अगर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट देखें, तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 1/6 खत्म होगा, तो इसका 4/6 बनेगा और इसका 4/6 बनेगा। यहाँ पर 6 था तो 1 था, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका जब इसका 2 हमने खत्म किया, तो 2 के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? C4H8 का हमारे पास था 2 मोल, तो 2 -2 × 1/6। इस स्टेप को ध्यान से देखना है, तो इसका बना कितना? 4/6, तो 2 × 4/6, और इसका भी बन गया 2 × 4/6। एकदम ध्यान से देखना इस स्टेप को। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट ये कहता है कि 1 मोल C4H8 जब 6 मोल O2 से रिएक्ट करता है, तो 4 मोल CO2 और 4 मोल वाटर बनता है। अब हम इसको 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जब 1 मोल ऑक्सीजन का खत्म होता है, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/6 मोल इसका खत्म होगा, तो 4/6 इसका बनेगा, 4/6 इसका बनेगा। ये बात दिमाग में बड़े ध्यान से बैठा लो। जब हम ऑक्सीजन का 1 मोल खत्म होगा, तो इसका 1/6 खत्म होगा, तो इसका 4/6 बनेगा, इसका 4/6 बनेगा। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमने ऑक्सीजन को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो ऑक्सीजन में का जब 2 मोल खत्म हुआ, तो इसका कितना खत्म होगा? जब ऑक्सीजन का 1 खत्म हो रहा था, तो इसका 1/6, तो जब ऑक्सीजन का 2 खत्म होगा, तो इसका 2 × 1/6 खत्म होगा, तो इसका बनेगा कितना? जब 1 खत्म हो रहा था तो 4/6 बन रहा था, तो जब 2 खत्म होगा तो 2 × 4/6 बनेगा, 2 × 4/6। जब 1 खत्म हो रहा था तो इसका 4/6 बन रहा था, तो जब इसका 2 खत्म होगा तो 2 × 4/6 बनेगा। तो अब हमारे पास सिनेरियो हो गया, इसका बना बचा 2 × 1, 2 -1/3 मोल, इसका हो गया 0, इसका हो गया 4/3 मोल, और इसका हो गया 4/3 मोल। ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसीजर को समझने के लिए। तो अब हमारे पास जो नया सिनेरियो हो गया, उस सिनेरियो के हिसाब से C4H8 +6O2 Aero4CO2 +4H2O, तो इसका बचा 5/3 मोल, और इसका 4/3 मोल, और इसका 4/3 मोल। तो इन दोनों का 4/3 मोल प्रोड्यूस्ड हो गया, और इसका 5/3 मोल लेफ्ट। अब अगर अमाउंट पूछा है, तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और अमाउंट निकल जाएगा। अब मान लो एक एग्जाम्पल और हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहा गया, फॉर द रिएक्शन
ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, एरो ए फोर बी थ्री सी टू, फोर मोल्स ऑफ ईच ए बी एंड सी इज टेकन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए फोर बी थ्री सी टू फॉर्मड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए फोर बी थ्री सी टू फॉर्मड। तो अब हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे, फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, एरो बन गया ए फोर बी थ्री सी टू। अब इसका जब चार मोल है और इसका भी चार मोल है और इसका भी चार मोल है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग मोल अपान कोफिशियंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका चार बटा चार, इसका चार बटा तीन और इसका चार बटा दो, तो इसका आ गया वन, इसका आ गया 1.33 और इसका आ गया 2। तो ये वैल्यू सबसे कम हो गई, लीस्ट। तो ए बी बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो ए को पूरा का पूरा हम खत्म करा देंगे। तो अब हमारे पास रिएक्शन है, फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, एरो ए फोर बी थ्री सी टू। तो जब इसका रेशियो है, जब इसका चार खत्म होता है, इसका तीन खत्म होता है, इसका दो खत्म होता है, तो इसका एक बनता है, ये कोफिशियंट्स हैं। तो जब इसका एक खत्म होगा, चार से डिवाइड कर दो, जब इसका एक खत्म होगा तो इसका तीन बटा चार खत्म होगा, इसका दो बटा चार खत्म होगा तो इसका एक बटा चार बनेगा, ये भी कोफिशियंट है। अब हमारे पास था इसका मोल, इसका वन मोल था और इसका फोर मोल था, इसका फोर मोल था और इसका फोर मोल था, इतना था सबके मोल। तो जब इसका हमने चार खत्म किया तो इसमें से कितना खत्म, जब इसका एक खत्म हुआ तो इसका तीन बटा चार, तो इसमें से कितना खत्म हुआ, चार माइनस तीन बटा चार गुड़े चार, और इसमें से कितना खत्म हुआ, चार माइनस दो बटा चार गुड़े चार, और इसका कितना बना, फोर इंटू वन बाई फोर। ध्यान से स्टेप को देखना है, जब इसका एक खत्म हुआ तो इसका तीन बटा चार खत्म हो रहा है, इसका दो बटा चार खत्म हो रहा है और इसका एक बटा चार बन रहा है। तो जब इसका चार मोल खत्म होगा तो इसका एक पर तीन बटा चार, तो चार में से तीन बटा चार इतना खत्म हुआ, इसका चार गुड़, तो फाइनल हमारे सामने सीनेरियो आ गया, इसका जीरो मोल हो गया, इसका वन मोल बी और इसका हो गया दो मोल। लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, हम लोगों ने पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई किया। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। कहा गया कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, और इसका ए फोर बी थ्री सी टू बना और सबके चार मोल लिए गए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ए फोर बी थ्री सी टू फार्म। तो ये रिएक्शन है। अब हमने पहले मोल अपान कोफिशियंट कैलकुलेट किया, तो चार बटा एक, चार बटा चार, चार बटा तीन, चार बटा दो, सबसे छोटी वैल्यू। तो ए हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब ए को हम पूरा का पूरा खत्म करा देंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखनी है कि
कि अगर हम लोग रेशियो देखें, तो जब इसका 4 खत्म हो रहा है तो इसका 3 खत्म हो रहा है, इसका 2 खत्म हो रहा है तो इसका 1 बन रहा है। अब इसको हम एक में कन्वर्ट कर, एक को खत्म करना है तो एक के लिए रेशियो निकाल लेंगे। तो जब इसका 1 खत्म होगा तो इसका 3/4 खत्म होगा, इसका 2/4 खत्म होगा तो इसका 1/4 बनेगा। 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब शुरू में सबके मोल थे 4, तो ए का जब 4 खत्म होगा तो बी का 3/4 × 4 खत्म होगा, और सी का 2/4 × 4 खत्म होगा, और ए का 4 × 1/4 बनेगा। तो फाइनल सिनेरियो हमारे सामने ये हो गया कि 0 मोल ए खत्म हो गया, 1 मोल बी का बचा रह जाएगा, 2 मोल सी का बचा रह जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। तो 1 मोल ऑफ Fe4B3C2 इज फाइंड। तो अब इसके बाद ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, अभी इस पर और कैलकुलेशंस होंगी और इस पर असाइनमेंट मिलेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।